हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसने कि शाओमी को और जो मोटो को 2017 में काफ़ी बड़ा चैलेंज दिया था। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ टेनोर के बारे में। तो दोस्तों, जो टेनोर कंपनी थी वो 2017 में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लाई थी, और मतलब कि स्पेसिफिकेशन वाइज भी वो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे थे, और दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में भी लाई थी, और दोस्तों वो स्मार्टफोन काफ़ी बिके भी थे। तो दोस्तों, फिर भी मतलब कि उन्होंने उसके बाद अपनी जो सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू ही नहीं किया, और मतलब कि कहीं गायब भी हो चुकी है आज की डेट में। तो और दोस्तों, कम से कम 1 साल में उन्होंने कोई भी स्मार्टफोन नहीं लाया, और दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न है कि उस स्मार्टफोन के बारे में किसी को भी पता नहीं है लगभग, जो न्यू है। तो दोस्तों, काफ़ी जो स्मार्टफोन है इसी तरह से काम करते रहते हैं कि अपने जो स्मार्टफोन को लाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मतलब कि कस्टमर जो उस स्मार्टफोन को यूज़ करे तो उनको भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो चैलेंजेस उनके सामने सबसे मतलब कि ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो उनको मिलते हैं कस्टमर सर्विस के। दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनी का कुछ पता भी नहीं है, और अगर मान लो कुछ वारंटी में कोई स्मार्टफोन हो, अगर कुछ ख़राबी आ गई स्मार्टफोन में तो उसमें आपको चैलेंज देखने को मिलेगा। आपको मतलब कि आउटलेट नहीं मिलेंगी उस स्मार्टफोन के कि वो ठीक कर सके उस स्मार्टफोन को। तो दोस्तों, आपको मतलब कि मजबूरन किसी भी दूसरी रिपेयर शॉप से आपको उस स्मार्टफोन को ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं मतलब कि अगर कोई स्मार्टफोन में आपको न्यू अपडेट आने वाला हो तो दोस्तों अब आपको अपडेट आने की भी संभावना बहुत ही कम हो चुकी होगी, और आपको मतलब कि अपडेट आना और जो सिक्योरिटी पैचेज है स्मार्टफोन के वो भी मिलना काफ़ी मुश्किल है। और दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में कुछ बग आने लगे, स्टार्ट होने लगे, तो उसको भी दूर करना इम्पॉसिबल ही हो सकता है मतलब कि क्योंकि स्मार्टफोन का किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ साथ जो मतलब कि टेनोर कंपनी है, उसी के साथ साथ जो मतलब कि स्मार्ट टर्न कंपनी है, उसने भी जो शाओमी है उसको काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी। दोस्तों, शाओमी के उसमें जो जब ये कंपनीज आई थी तो सेल्स इतनी घट गई थी, काफ़ी लोग टेनोर की ओर जा रहे थे, लेकिन दोस्तों टेनोर ने अपने आप में इतनी बड़ी गलती कर दी कि अपनी सीरीज़ कंटिन्यू ही नहीं की। तो दोस्तों, इस तरह से कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस मिल गया, और दोस्तों शाओमी को मार्केट में दोबारा आने का मौका मिला। दोस्तों, जो मेरा कहने का मतलब था कि स्मार्ट टर्न जो शाओमी को टक्कर दे रही थी, उसका ये डेफिनेटली मतलब है कि जो शाओमी की स्पेसिफिकेशन उसके सामने कुछ भी नहीं थी, मतलब कि जो शाओमी की स्पेसिफिकेशन वो कहीं ना कहीं कम रह रही थी। दोस्तों, जो जो बैटरी लेवल में मतलब कि स्मार्ट टर्न और जो टेनोर के स्मार्टफोन थे उसकी काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ थी, जबकि शाओमी की बैटरी लाइफ भी अच्छी थी जो कि 4000 mAh की थी, लेकिन दोस्तों स्मार्ट टर्न की बैटरी 5000 की थी। तो दोस्तों, इसलिए जो स्पेसिफिकेशन वाइज भी स्मार्ट टर्न काफ़ी अच्छी कंपनी थी, लेकिन जो अपनी दोस्तों जो कस्टमर्स था उन्होंने भी टेनोर और स्मार्ट टर्न काफ़ी बड़े लेवल में लिया, जिससे कि जो इनकी ब्रांड वैल्यू थी वो काफ़ी अच्छी बन जाती अगर वो सीरीज़ को कंटिन्यू करते। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में अब जो उनके कस्टमर्स हैं उनको सफ़र ही करना पड़ रहा है प्रॉब्लम से, काफ़ी प्रॉब्लम्स है स्मार्टफोन में आ भी सकती है, प्रॉब्लम्स जैसे बग्स वगैरह कभी भी आ सकते हैं किसी स्मार्टफोन में, जो कि दोस्तों अब अपडेट नहीं आएंगे तो रिपेयर कैसे होंगे, मतलब क्योर कैसे होंगे। तो दोस्तों, वो इशू काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। और दोस्तों, अगर अब मार्केट में दोबारा से स्मार्ट टर्न कंपनी आई तो उसको अपनी जो ब्रांड वैल्यू है तो उसको गिरी हुई देखकर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर जो भी स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं तो उनको पता ही है कि स्मार्टफोन के इस टाइप में जो एक्शन किया है तो उससे कंपनीज को काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है, और जो कस्टमर्स भी उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, इस टाइप के स्मार्टफोन से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स बाद में देखने को मिलती है। शुरू में जो स्पेसिफिकेशन है वो नो डाउट की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन दोस्तों बाद में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो मतलब कि स्पेसिफिकेशन जैसी भी हो, जैसे कि कोई बग्स वगैरह है तो स्मार्टफोन का ख़राब होना होना ही है, मतलब कि स्मार्टफोन तो ख़राब। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते हैं मेरे चैनल बी टेक। तो दोस्तों, इस टाइप के स्मार्टफोन से दूर रहना। अगर आपको दोस्तों पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।